Hi guys, this is Manmohan and welcome to my weekly webinar. If you like these webinars, please like them, share them. So today I'll specifically talk about the next 3 months. Now if you see in your preparation, you know, next 3 months I would say are very very important. कि अगर अभी आप जून चल रहा है, जून जुलाई एंड अगस्त, ये 3 महीने की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बियॉन्ड यू नो, जैसे अक्टूबर आ गया, अक्टूबर आने के बाद तो आप के पास प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर आपके पास बोर्ड यू नो सीबीएसई या जो भी आप बोर्ड में यू नो आप एनरोल्ड हैं, तो वहाँ भी आपको उस टाइम पर स्कूल से ही प्रेशर आएगा आपको कि प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे आपके सितंबर में अक्टूबर में, हर स्कूल में डिफरेंट टाइम पे होते हैं और वहाँ पेरेंट की एक्सपेक्टेशन भी होगी कि आप बोर्ड के लिए पढ़ें और नंबर लाएं, तो उस टाइम जो खिंचाव तनाव पैदा होगा कि मैं इधर जेई पे फोकस करूं या फिर मैं बोर्ड पे फोकस करूं, और आपको पता ही है कि मेंस का एग्ज़ाम भी अब जनवरी के अंदर है तो मुझे मेंस के हिसाब से ही फोकस करना है, तो अभी लेकिन जो टाइम है आपके पास, मे बी अगर मैं लेके चलता हूँ जून चल रहा है अभी, तो डिपेंड्स कब आप वीडियो देख रहे हैं, तो रफली हम ले लें कि ये 10th June के आसपास, ये है 10th June और हम बात कर रहे हैं जून जुलाई और अगस्त की, इन 3 महीने की जहाँ पे आपने मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। 10th June अभी है तो आप, मैं कहूँगा कि आप उसको 3 पार्ट में लो, पहले 3 पार्ट में, तो पहले आप 1 महीने का चैलेंज अपने लिए सेट कर लो कि 10th June से हम बात करते हैं 10th July तक, तो ये 30 days हो गए, इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा आपके पास अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, क्योंकि अब मान रहा हूँ कि तो समर ब्रेक है और आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, कुछ स्कूलों में समर में क्लासेस लगती हैं बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर ऑफ ड्यूरिंग समर, तो पर डे आप ठीक है कोचिंग में या ट्यूशन में जहाँ भी आप जाते हैं उसमें भी टाइम लगता है, उसको भी मिला लें, तो एक अपने लिए चैलेंज सेट कर लें कि मुझे इन 30 days के अंदर, तो मैं कहता हूँ नॉर्मली तो 10 hours तो वैसे भी पढ़ना चाहिए ऑब्वियसली इंक्लूडिंग योर ट्यूशन क्लासेस, तो आप 12 घंटे पर मैक्सिमाइज करिए, और अगर हम बात करते हैं 30 days की हो गई तो ये 360 hours, यू नो 12 hours फॉर 30 days, इट कम्स आउट 360 hours इन नेक्स्ट 30 days, उसमें थोड़ा आप राउंड ऑफ कर दीजिए डिपेंडिंग अपॉन, यू प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी करते हैं, एक नंबर सेट कर लो, 320 कर लो यू नो या 300 कर लिया आपने, कि 300 घंटे का एक चैलेंज अपने लिए बना लिया, बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप टारगेट सेट कर लें, अपना एम सेट कर लें, अपना एक यू नो नंबर फिक्स कर लिया आपने 300 है कि मेरा ये गोल है कि मुझे 300 घंटे अपने पढ़ाई पे लगाने हैं, तो उन 300 घंटों का ऐसे नहीं होगा कि आपने 300 घंटे सोच लिया कि आप बस पढ़ रहे हैं, उनको को ट्रैक भी करना पड़ेगा, लॉग भी करना पड़ेगा, ट्रैक भी करना पड़ेगा, और एक यू नो एक चीज़ों में अगर आप चैलेंज लेते हैं तो एक वो जैसे गेम खेलते हैं उस तरह से एक वो फन सा भी आता है, इसे कहते हैं गेमिफिकेशन हो गया आपने अपनी पढ़ाई के अंदर, कि यार कि मुझे अब ये टारगेट पूरा करना हो, किसी दिन हो सकता है आपकी पढ़ाई ना हो 6 घंटे हो, तो फिर आपके लिए अगले दिन चैलेंज होगा फिर, या टुवर्ड्स एंड चैलेंज आएगा फिर वो, तो एक चैलेंज सेट कर लिया नंबर ऑफ आवर्स का आपने कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई करनी है, और 12 घंटे की अगर आप देखेंगे 24 घंटे हैं अगर आप और लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, 4-5 घंटे निकाल दें उसमें से, तो किसी दिन आप 15-16 घंटे भी जा सकते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आपकी सबकी एफिशिएंसी नहीं आ पाती है लंबा पढ़ने के अंदर, बट कोई बात नहीं अभी एफिशिएंसी नहीं भी आ रही, लेकिन एक वो जो अपना बेस्ट एक जो यू नो अगर हम अंडर प्रेशर काम करते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल है वो अनलीश होता है, वो बाहर आता है सामने, तो एक चैलेंज के साथ आप ये कोशिश करिए, और मैं रिपीट कर रहा हूँ ये दोबारा, ये वाला टाइम नहीं आएगा जब आपके पास कोई, अभी आपका 12th का सिलेबस चल रहा है अभी राइट, तो अभी ज़्यादा चैप्टर 12th के भी नहीं हुए हैं, लेकिन सोचिए वही 2 नवंबर दिसंबर में 11th का सिलेबस भी रिवाइज़ करना होगा और 12th का भी चैप्टर्स को आपको रिवाइज़ करना होगा, ऊपर से CBSE का प्रेशर, ऊपर से मेन सर पे आ जाएगा, लेकिन अभी अगले 3 महीने के अंदर कम से कम एक आप कर सकते हैं कि आपके पास है, पीछे से भी प्रेशर अभी सिलेबस ठीक है, 11th का भी अभी पिछले दिनों रिवाइज़ किया होगा आपने, कंपैरेटिवली कम है, कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ प्रेशर है लेकिन कंपैरेटिवली कम है, लेकिन स्कूल का प्रेशर नहीं है, स्कूल का CBSE का, तो ये टाइम अपना आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ करिए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो बहुत फ़र्क पड़ता है लास्ट में, लास्ट के 5-6 months के अंदर जो भी आपका परफॉर्मेंस का, आपका एटीट्यूड का, आपका
यू नो आपकी आपकी कैपेबिलिटी टू हैंडल प्रेशर वो कैसा रहता है लास्ट 6 मंथ्स में, इट इज़ द गेम चेंजर, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. यू नो इन लास्ट 6 मंथ्स या बाद में जाएंगे 3 मंथ्स की बात करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहता है, जो जो भी मतलब कॉन्फिडेंस है आपकी, प्रिपरेशन लेवल है आपका, आपकी 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 क्या कहते हैं आपकी पॉजिटिविटी है कि कितने पॉजिटिविटी से आप एग्ज़ाम देंगे, तो वो सारा मैटर करता है लास्ट के. आप अगर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से, 4 साल से, बट लास्ट का जो पीरियड है 3 to 6 months विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, दैट डिसाइड्स वॉट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू परफॉर्म, वॉट यू गोइंग टू शो इन योर एग्जाम. सो मेक श्योर दैट कि जो लास्ट के 3 से 6 महीने का या 3 महीने की बात करें, लास्ट के 1 महीने की भी बात करें, उसको बिल्ड करने के लिए अभी हम ये चैलेंज ले रहे हैं कि उस महीने में हम अपना बेस्ट कर पाएँ, ये हम चैलेंज ले रहे हैं. और दोस्तों समझो बात को कि ये यही टाइम है, ऐसा आपको कभी लाइफ में दोबारा ऐसा कोई पागलों वाला कह रहे हैं तो यार मतलब यू माइट बी थिंकिंग यार मैं क्या बेकार की बातें कर रहा हूँ, मतलब इतने घंटे निकालना कोई मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और क्यों ऐसा करें, दिस इज़ नॉट द वे टू प्रिपेयर, दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी, आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ नॉट आई हैव डिजाइन दिस सिस्टम, ये सब कि 2 साल का सिलेबस पूछ रहे हैं, यू नो दिस इज टू मच, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, यू कैन नॉट इग्नोर दिस. तो इसमें अब देखिए कि ये कभी लाइफ में दोबारा ऐसे कोई अगर हम पागलपन बोलूँ मैं तो अभी कोई इतना इजीली नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है अपने लिए आप चैलेंज बनाए लेकिन ऐसा नहीं होगा. तो ये और तो ये अपॉर्चुनिटी है करने की और इससे फ़र्क पड़ता है, करियर में फ़र्क पड़ेगा आपका. तो अगर आप और इसमें ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा काम है कि जो आप नहीं कर सकते हैं, कि मैंने आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सी बुक दे दी है पढ़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स सा कोई यू नो टॉपिक दे दिया आपको, उस पर पढ़ के परफॉर्म करना है, वो नहीं हो रहा है. तो सिर्फ अपना नंबर ऑफ घंटे ही तो लगाने हैं, इतने तो अपने पेरेंट्स भी कई बार ऑफिस में प्रेशर होगा होता काम करते हैं. सो जस्ट टेक इट अ चैलेंज, आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू टेक दिस प्रेशर, टेक दिस चैलेंज दैट यू हैव टू टेक आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, दिस विल गिव अ बूस्ट इन योर प्रिपरेशन. अभी अब टाइम अगर लॉक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप टाइम लगा रहे हैं उसको लॉक करने के लिए, उसको नोट करने के लिए, आप कोई भी एक मतलब डायरी रख सकते हैं, कोई भी आप यू नो अगर फ़ोन पे नोट करना है आपने या अपने कंप्यूटर पे नोट करना है, कहीं भी कर सकते हैं. तो जैसे आप ये कह सकते हैं कि और ये बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आप टाइम को आप ट्रैक करते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि आपको टाइम की सेंस बढ़ जाती है. तो जैसे आपने यू नो टेबल सा बना लिया, इसमें आपने कहा कि मतलब कुछ भी डे एंड टाइम लिख लिया आपने, कब मैंने पढ़ाई करी, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वाला कि आपने फॉर एग्जांपल कब मैंने 11 जून को राइट कि आप या तो ये कह सकते हैं 11 जून को पढ़ाई करी है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, अगर स्टार्ट टाइम नहीं नोट करना है तो नंबर ऑफ आवर्स कर लो, स्टार्ट टाइम एंड टाइम. For example, you started like at like 8 a.m. in the morning, maybe too early for you, but you know, maybe 8 p.m. कर लो आप, and then you till 10 you know a.m. 2 hours आपने पढ़ाई करी है और साथ में अब यहाँ duration आ गई, ये हम last में total करेंगे कितना, ये 2 hours हो गया, 2 hours जितना भी time होता है ये 2 hours है, this minus this, right? और साथ में आपने इसमें ये भी note कर लिया आपने कि क्या पढ़ाई करी है, right? बुराई नहीं है इसमें लिखने में कि what is you know what you have covered in this study cycle, in this study period, what you studied here, कि आपने कोई basic chemistry पढ़ी है तो idea भी लग जाएगा, chemistry पे कितना time लगाया, maths पे कितना time लगाया, physics पे कितना time लगाया, वो भी एक तरह का आपका data बनता रहेगा. तो ये आप करिए 1 महीने challenge और फिर देखिए क्या होता है. This is और ये format कोई ऐसा नहीं, आपने ये format करना है लेकिन log करना ज़रूरी है, नहीं तो टाइम का ट्रैक कैसे आप मतलब कैसे थ्रिल कहाँ से आएगा, पता कैसे चलेगा कि आपने कितना टाइम लगाया है. तो कोई किस फॉर्मेट में भी, किस यू नो डिवाइस पे भी, पेपर पे, डायरी में, कंप्यूटर पे, फ़ोन पे, कोई एक टेबल बना के अपने जब भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको लॉक कर लो और फिर आप देखो कि यहाँ से आप कितना हाउ मच अवे यू आर फ्रॉम दिस. हाँ अगर आप क्लासेस पे टाइम कर रहे हैं, अपने कोचिंग क्लास गए हैं, ट्यूशन में गए हैं, विद्या मंदिर गए हैं, तो आपने नोट यहाँ पे उसका भी टाइम डाल दिया, आपने ट्रैवल टाइम भी मिला के अपना ये टाइम यहाँ पे आपने ट्रैवल टाइम में भी थोड़ा हटा सकते हैं, पढ़ा स्टडी टाइम है
तो वो आपने यहाँ पे उसकी भी एक एंट्री कर ली और नंबर ऑफ़ आवर्स आ गया कि 4 घंटे की क्लास है। अगर लग रहा है आपको ट्रैवल टाइम बहुत लगता है थोड़ा बढ़ा के उसको 6 आवर्स कर लो 4 आवर्स की बजाय। तो ये लॉक करिए फिर देखिए। राइट, थैंक यू।